सलमान खान ने बॉलीवुड में कई लोगों का करियर बनाया है और उन्हीं में से एक है टीनू वर्मा। लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग है। 1997 में आई मूवी औजार के दौरान एक रोल के लिए कोई भी पर्सन डिसाइड नहीं हुआ था। तभी वहीं पे मौजूद टीनू वर्मा से सलमान खान ने पूछा, तुम ये कैरेक्टर प्ले करोगे? इस पे जीतू ने जवाब दिया, मैं कैसे, मैं तो बस एक स्टंटमैन हूँ और यहाँ पे कास्ट को हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। सलमान ने कहा, ये कैरेक्टर एक राजस्थानी है और तुम भी राजस्थान से बिलोंग करते हो, ये रोल करने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छा करोगे। सलमान के इस तरह समझाने पर जीतू इस रोल के लिए तैयार हो गए और यहीं से इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत भी हुई। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जीतू वर्मा के जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन्हें सोल्जर मूवी के कैरेक्टर जोजो या फिर टार्जन द वंडर कार मूवी के इस डायलॉग से पहचानते होंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर। इन दोनों ही मूवी में इनका नाम जोजो है। इसके अलावा और भी कई मूवियां हैं जिनमें इनका नाम जोजो है। हो सकता है जोजो नाम इनके लिए बहुत लकी हो। इसी पे सर्च के दौरान मैं थोड़ा हैरान तब हुआ जब मैंने इन्हें इंस्टाग्राम पे सर्च किया और देखा कि इनके नाम के आगे भी जोजो लगा हुआ है, यानी ये सच में जोजो को बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं। जीतू वर्मा की अगर स्टार्टिंग लाइफ की बात की जाए तो उनके पिता फिल्मों में घोड़े सप्लाई किया करते थे, यानी कि जिस भी मूवी में घोड़ों की डिमांड होती थी वहां पे जीतू के पिता घोड़ों को प्रोवाइड किया करते थे और यह इनका बिजनेस भी था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि शोले मूवी में जितने भी घोड़े थे वो सारे जीतू के पिताजी ने ही सप्लाई किए थे। जीतू के पिता ने टोटल 2 शादियां की हैं, इसलिए जीतू वर्मा टोटल 7 भाई हैं और इन सभी भाइयों ने अपने करियर की शुरुआत इन्हीं घोड़ों की सप्लाई की बिजनेस में की थी। फिलहाल उनमें से कुछ अभी स्टंटमैन तो कुछ एक्शन डायरेक्टर बन चुके हैं। इन्हीं में से इनके एक भाई हैं जिन्हें आप जरूर जानते होंगे, टीनू वर्मा। इन्हें आपने मेला मूवी में एज ए विलन देखा होगा। ये वैसे तो एक्शन डायरेक्टर हैं लेकिन इस मूवी में इन्होंने एज ए विलन खुद प्ले किया था। मेला मूवी तो बेशक फ्लॉप रही लेकिन ये रोल कितना जबरदस्त था ये तो हमने देखा ही। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जीतू को अपनी पहली मूवी सलमान के जरिए कैसे मिली। इस पहले रोल के लिए ना तो उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली थी और ना ही क्लास। इसके बाद भी इनके रोल को बहुत ही ज्यादा सराहा गया। ओए छोरे, तू कौन आ रहा? इसीलिए इन्होंने इसके बाद से सोचा क्यों ना अपनी किस्मत एक्टिंग में आजमाई जाए। इसके बाद इसके लिए इन्होंने एक्टिंग क्लासे भी ली और खुद को ट्रेन भी किया और इसके तुरंत बाद ही इन्हें नेक्स्ट मूवी भी मिल गई जो कि थी सपूत। और उसके बाद इन्हें वो मूवी मिली जिससे वो देश भर में जाने गए, सोल्जर। और ये मूवी इन्हें कैसे मिली इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल सोल्जर मूवी के डायरेक्टर अब्बास मस्तान को ऐसा विलन चाहिए था जो कि फनी होने के साथ साथ थोड़ी ऊटपटांग हरकतें भी करता हो। और उन्हीं दिनों जीतू वर्मा अमेरिका से वापिस आए थे और अपने साथ रोलर कोस्टर भी लाए थे। उन्हें उस टाइम उन रोलर कोस्टर से इतना ज्यादा लगाव था कि वो सुबह शाम उसी में मगन रहते थे। इसी उछल कूद को देखकर डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने सोल्जर मूवी में जोजो के रोल के लिए जीतू वर्मा को चुन लिया और इसके बाद जीतू वर्मा को बहुत सी मूवी मिली और उनमें से बहुत सारी हिट भी हैं। लास्ट अगर किसी बड़ी सीरीज की बात की जाए तो इन्हें मिर्जापुर में देखा गया। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था लेकिन एक रात के हादसे ने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। दरअसल ये बात है सन 2017 की। एक बार देर रात को वो अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे लेकिन अचानक बीच में बहुत से लोग आके उनके ऊपर पथराव करने लगे। कुछ ही पल में इनकी गाड़ी के ऊपर 100 से भी ज्यादा पत्थर फेंके गए बट इनके ड्राइवर ने किसी तरह वहां से अपनी गाड़ी निकाल ली। लेकिन उन पत्थरों में से एक पत्थर शीशा तोड़ के इनकी आंख पे लग गया। बाद में जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इस आंख में इंटरनल बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और उस चोट की वजह से लगभग उस आंख की रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यानी जीतू वर्मा को उस आंख से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आज के टाइम भी आप इन्हें कभी देखेंगे तो ये हर टाइम चश्मा पहन के रखते हैं उस डैमेज आंख को छुपाने के लिए। बट फिलहाल ये पहले से ठीक हैं और धीरे धीरे बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।